बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, यही तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहाँ पर है। देखिए गाड़ियाँ भी, पूरा काफिला है, पूरा जो चौक है देख सकते हैं कि जगह जगह तस्वीरें लगा दी गई हैं। बाबुल सुप्रिया हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, इसके अलावा स्मृति ईरानी है, अमित शाह है और दूसरे तमाम नेताओं की यहाँ पर तस्वीरें लगा रखी हैं। ये मेन चौक है यहाँ का, और इस चौक के बाद सामने देखिए, सामने बिल्कुल ये सामने डीएम दफ्तर है। यहाँ पर ही वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आके इस रैली की तैयारियां भी चल रही हैं। देखिए यहाँ पर वो संबोधित करने वाले हैं, जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। यहीं पर स्मृति ईरानी बैठेंगी, यहीं पर धर्मेंद्र प्रधान होंगे, बाबुल सुप्रिय होंगे, इसके अलावा जो पार्टी के दूसरे बड़े नेता है। बिल्कुल सैफी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपने हल्दिया की तस्वीर देखी, किस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों के पोस्टर से पट चुका है पूरा का पूरा हल्दिया। लेकिन रोहित भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रोहित, आप क्या कुछ तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जो नंदीग्राम का सियासी संग्राम है उसकी असल लड़ाई आज से शुरू हो रही है। बिल्कुल, आज से शुरू हो रही है। देखिए, ये तो कहना आज बीजेपी के लिए, ये नॉमिनेशन फाइल है शुभेंदु अधिकारी के लिए, तो लड़ाई तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी और नॉमिनेशन के दिन हमने ममता बनर्जी की उस लड़ाई को आंख भी लिया था। अब बीजेपी कैसे उसको प्रेजेंट कर रही है और पावर कितना अपना दिखा पा रही है, इसके लिए सरफराज जिस मोड़ पर खड़े हैं उसका नाम है खुदीराम मोड़, और वहाँ पे वहीं से रैली शुरू होनी है। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। यहाँ से यही वो सड़क है, मैं जिस सड़क पर हूँ, ये सामने देखिए हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यही वो सड़क है जिससे काफिला निकलेगा। इससे पहले एक रिसोर्ट है जहां पर अभी बड़े सिक्योरिटी की गई है, यानी वहां पे बाबुल सुप्रियो के शायद कहा जा रहा है पहुंचने की बात हो रही है, और शायद यहां पे धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचने वाले, स्मृति ईरानी पहुंचने वाली है। और इसी सड़क से होते हुए अभी हम सीधे जाएंगे, इसी सड़क से होते हुए हम अभी खुदीराम मोड़ तक जाएंगे, और खुदीराम मोड़ पे ही वहां पे सारा पूरा तैयारी की गई है जहां पे नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मैं उनके रैली। बिल्कुल रोहित, वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नॉमिनेशन से पहले शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव आए तो ममता बनर्जी को नंदीग्राम की याद आ गई। उन्होंने एक बार फिर से इशारों में बाहरी बताने की कोशिश की ममता बनर्जी को। वो कह रहे हैं कि मैं नंदीग्राम का नागरिक हूं, मेरी जीत तय है। शुभेंदु अधिकारी दरअसल नंदीग्राम के बड़े सत्रप नेता माने जाते हैं, और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को लेकर बड़ी बातें कह रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले भी वो ये बता चुके हैं कि ममता बनर्जी बाहरी है और नंदीग्राम की जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। तमाम इक्वेशन, तमाम सियासी समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।